नमस्कार दोस्तों, ITI सेकेंड ईयर इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के लिए जो सीवीटी क्वेश्चन चला रहे हैं उसमें आज की वीडियो नंबर 16 है। तो आइए 16वें वीडियो के पहले क्वेश्चन की तरफ। क्या है पहला क्वेश्चन कि 50 हर्ट्ज की आवृत्ति पर दो ध्रुवों वाले एक अल्टरनेटर की गति की गणना करिए। तो एक फॉर्मूला आता है ना गति की गणना अल्टरनेटर के लिए, स्पीड की फॉर्मूला क्या आती है, NS बराबर सिंक्रोनस स्पीड बराबर क्या आता है फॉर्मूला कि 120 F बटा में P, यह फॉर्मूला आता है निकालने के लिए, स्पीड निकालने के लिए। तो 120 और फ्रीक्वेंसी कितना दिया है 50 हर्ट्ज। अब पोलो की संख्या कितना दिया है दो ध्रुवों के लिए, तो दो तो ये घटा दीजिए, 2 × 6 = 12 यानी कितना हुआ 60। क्या बचा 60 और क्या है 50, कितना है क्या 6 × 5 = 30 और 2 0 पहले से। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा कि जो स्पीड आता है आरपीएम में आता है, आरपीएम RPM। अब RPM का मतलब क्या होता है, रोटेशन पर मिनट, पर मिनट का मतलब एक मिनट में कितना रोटेशन 3000 RPM। जो मोटर होती है एक मिनट में 3000 RPM पर रोटेट करेगी, कब, जब दो पोल रहेगा तब। ये कभी कभी अभी आगे क्वेश्चन भी है रोटेशन पर सेकेंड भी पूछ सकता है, यानी एक सेकेंड में कितना रोटेशन करेगी वो पूछना चाहता है, और रोटेशन पर मिनट मतलब एक मिनट में कितना 3000 RPM। तो इसका सी ऑप्शन इज राइट आंसर। याद भी कर लीजिए कि दो पोल के लिए अगर 50 हर्ट्ज हो तो 3000 RPM आएगा, और 4 पोल के लिए अगर 50 हर्ट्ज हो तो 1500 RPM आता है, और 6 पोल के लिए कितना आता है तो 1000 RPM आता है। तो कुछ कुछ याद कर लीजिए, तो सी ऑप्शन इज राइट आंसर। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, दो अल्टरनेटरों के समांतर संचालन डार्क लैंप विधि में लैंप किस स्थिति में बुझ जाती है। देखिए जो अल्टरनेटर होता है ना वहां पर बहुत सारी अल्टरनेटर लगी रहती है, अब डिमांड अनुसार अल्टरनेटर को चालू करके आज जो बस बार से सप्लाई आ रही है उसी बस बार में अल्टरनेटरों का सभी अल्टरनेटरों का सप्लाई दे दी जाती है। लेकिन अब डिमांड कितना है, डिमांड ज्यादा होगा तो सारा का सारा अल्टरनेटर चालू कर दिया जाता है। तो एक अल्टरनेटर, फिर दो अल्टरनेटर, थ्री अल्टरनेटर, चाहे जितना मतलब दो या दो से ज्यादा अल्टरनेटरों को एक साथ चलाने के लिए पैरेलल ऑपरेशन किया जाता है, उसी को पैरेलल ऑपरेशन, पैरेलल में कनेक्ट रहते हैं तो पैरेलल ऑपरेशन बोला जाता है। और पैरेलल में कनेक्ट करने के लिए कुछ शर्तें हैं, क्या क्या शर्त है कि पैरेलल ऑपरेशन के लिए पहला शर्त कि फेज सीक्वेंस समान होना चाहिए, फेज सीक्वेंस समान होना चाहिए, फेज सीक्वेंस के बाद वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी समान होना चाहिए, एकदम ये तीनों जरूरी है, फेज सीक्वेंस वोल्टेज फ्रीक्वेंसी एकदम निश्चित रूप से बराबर होना चाहिए जो अल्टरनेटर है सभी अल्टरनेटरों का। तो इसकी परीक्षण की जाती है बराबर है कि नहीं है, वोल्टेज फ्रीक्वेंसी फेज सीक्वेंस ये सब बराबर है कि नहीं है, इसके लिए परीक्षण की जाती है। तो परीक्षण करने के लिए दो मेथड है, पहला जो मेथड होता है एक मशीन आती है जिसको कहते हैं सिंक्रोनोस्कोपिक, तो सिंक्रोनोस्कोप एक मशीन है जो पैरेलल ऑपरेशन है कि नहीं है उससे ज्ञात कर लेते हैं, मतलब फेज सीक्वेंस और वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी एक समान है कि नहीं है तो सिंक्रोनोस्कोप से ज्ञात कर लेंगे। और दूसरा एक मेथड आता है डार्क लैंप चाहे ब्राइट लैंप मेथड, माने लैंपों को कनेक्शन करके और ज्ञात कर ली जाती है। तो इसी डार्क लैंप कनेक्शन मेथड में जब वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी समान होती है तो बल्ब क्या होता है बुझ जाता है। क्यों बुझ जाता है, क्योंकि वोल्टेज जब समान हो जाएगी बस बार में जो बल्ब होता है बस बार से कनेक्ट होता है और अल्टरनेटर से, तो अल्टरनेटर का वोल्टेज बस बार के वोल्टेज से जो पहला अल्टरनेटर चालू चल रही है तो उसके वोल्टेज से अल्टरनेटर का वोल्टेज जब समान हो जाएगा तो बल्ब कैसे जलेगा, क्योंकि वोल्टेज बल्ब जलने के लिए वोल्टेज डिफरेंस चाहिए, और जब दोनों वोल्टेज समान हो जाएगा तो करंट फ्लो होगा ही नहीं तो वोल्टेज नहीं होगा। तो वोल्टेज समान हो जाएगी और फ्रीक्वेंसी समान हो जाएगी तो बल्ब नहीं जलेगा। तो वही पूछा है कि समांतर संचालन डार्क लैंप में लैंप किस स्थिति में बुझ जाती है जब वोल्टेज समान हो जाता है, तो वोल्टेज समान हो जाएगा तो लैंप बुझ जाएगी। तो पहला दिया है टर्मिनल वोल्टेज आर इक्वल, तो किस, देखिए पहला दिया टर्मिनल वोल्टेज आर इक्वल, ये तो सही है लेकिन वोल्टेज के साथ साथ फ्रीक्वेंसी भी बराबर होनी चाहिए, तो पहला में केवल वोल्टेज दिया है इसलिए गलत है। फिर आगे वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी आर इक्वल, तो ये सही है, वोल्टेज के साथ साथ फ्रीक्वेंसी भी बराबर होनी चाहिए तो बल्ब नहीं जलेगा। तो ये वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी इक्वल कहां, तो पैरेलल ऑपरेशन के लिए, ये नहीं होगा, रेटिंग से नहीं कोई प्रभाव पड़ता है, वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी समान होगी तो पैरेलल ऑपरेशन बल्ब नहीं चलेगा। अगला क्वेश्चन, अल्टरनेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया के कारण डीमैग्नेटाइजिंग, देखिए डीमैग्नेटाइजिंग की भरपाई कैसे करते हैं। देखिए ये तो एकदम फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का, डीमैग्नेटाइज जब भी होती है तो अल्टरनेटर में ना एक फील्ड एक्साइटेशन दी जाती है ना, फील्ड को एक्साइट कर की जाती है ना अलग से डीसी सप्लाई देकर, तो अलग से जो डीसी सप्लाई देकर फील्ड एक्साइटेशन करते हैं उसी की करंट को बढ़ा दीजिए, माने फील्ड करंट की मात्रा को बढ़ा दीजिए तो डीमैग्नेटाइजेशन है वह कम होगा।
तो वही पूछा है कि डीमैग्नेटाइज इफेक्ट को आर्मेचर रिएक्शन में कैसे भरपाई की जाती है, कैसे कम की जा सकती है। तो डीमैग्नेटाइज है तो रिड्यूसिंग द स्पीड, स्पीड ऑफ अल्टरनेटर, तो ये गलत है। रिड्यूसिंग फील्ड एक्साइटेशन करेंट, ये सही है। नहीं तो रिड्यूसिंग बोला है मैंने, घटा रहा है, और इंक्रीजिंग फील्ड एक्साइटेशन करंट, तो ये सही है, डी ऑप्शन इज राइट आंसर। क्योंकि फील्ड एक्साइटेशन जो होती है करंट को, फील्ड एक्साइटेशन करंट को आप बढ़ाएंगे तो डीमैग्नेटाइज कम होगा। तो सी ऑप्शन, इंक्रीज द फील्ड एक्साइटेशन, यानी सी ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, आइए गया सिंक्रोनो, जो सिंक्रोस्कोप है, सिंक्रोस्कोप, सिंक्रोस्कोप क्या करता है, पैरेलल ऑपरेशन की परीक्षण करता है कि मतलब फेज सीक्वेंस, वोल्टेज फ्रीक्वेंसी समान है कि नहीं है। तो क्या है सिंक्रोस्कोप, तो सिंक्रोस्कोप पैरेलल, पैरेलल जहां भी दिखाई दे देगा, पैरेलल होगा। देखिए यहां पैरेललिंग दिखाई दे दिया, क्या दिया है, इंडिकेट द करेक्ट इंसेंट फॉर पैरेललिंग, मतलब समानता के लिए सही तुरंत संकेत दे, तो यही डी ऑप्शन। समानता के लिए मतलब वोल्टेज फ्रीक्वेंसी, फेज फ्रीक्वेंसी सब समान है कि नहीं, ये तुरंत संकेत दे देता है। तो सिंक्रोनोस्कोप क्या है, पैरेलल ऑपरेशन में इसका प्रयोग किया जाता है। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, डी ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, अल्टरनेटर के रोटर को डीसी प्रदान करने वाले उपकरणों का नाम क्या है। तो एक्साइटर कहते हैं, एक्साइटर जो अलग से सप्लाई दी जाते हैं ना, उसको एक्साइटर कहते हैं। तो क्या है, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, एक्साइटर कहते हैं। एक्साइटर से क्या होता है, एक्साइटेशन दी जाती है। आगे अल्टरनेटर में डैम्पर बाइंडिंग, देखिए सेलिएंट टाइप जो रोटर होता है ना, उसमें डैम्पर बाइंडिंग की जाती है। डैम्पर बाइंडिंग हंटिंग प्रभाव को कम करता है। हंटिंग क्या होता है, जो रोटर है ना, लोड में जब फ्लक्चुएशन होगा, लोड में जब उतार चढ़ाव होगा, तो थोड़ा इसमें कंपन आने लगते है, कंपन टाइप का नहीं होने लगता है, कंपन टाइप का फ्लक्चुएशन के कारण थोड़ा कंपन टाइप का होने लगता है। तो इसीलिए ना एक अलग से बाइंडिंग कर दी जाती है, जिसको डैम्पर बाइंडिंग कहते हैं। तो हंटिंग इफेक्ट में होता है। तो डैम्पर बाइंडिंग का उद्देश्य क्या है, रिड्यूस द कॉपर लॉस, नहीं रिड्यूस बाइंडिंग लॉस, नहीं रिड्यूस हंटिंग इफेक्ट, ठीक है, हंटिंग इफेक्ट को कम करता है डैम्पर बाइंडिंग। डैम्पर बाइंडिंग की जाती है हंटिंग, कब होता है, तो जब उतार चढ़ाव लोड होता है ना, तब होता है, फ्लक्चुएशन लोड होता है, तब ये होता है। तो सी ऑप्शन इज राइट आंसर। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अल्टरनेटर के समांतर संचालन फिर आ गया कि पहले किस स्थिति को संतुष्ट किया जाना चाहिए। तो हम अभी बताएं कि पैरेलल ऑपरेशन में सबसे पहला क्या किया जाना चाहिए, तो फेज सीक्वेंस बराबर है कि नहीं इसको चेक किया जाना चाहिए। तो रेटिंग, रेटिंग मतलब समान है कि नहीं इसको, नहीं फेज सीक्वेंस समान है कि नहीं इसको चेक की जाती है। फेज सीक्वेंस मस्ट बी सेम, सेम होना चाहिए फेज सीक्वेंस। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, पैरेलल ऑपरेशन के लिए फेज सीक्वेंस, उसके बाद वोल्टेज फ्रीक्वेंसी समान की जाती है। आगे फोर पोल वाले रेटेड वोल्टेज पर 50 हर्ट्ज की आपूर्ति सप्लाई के साथ जुड़े एक अल्टरनेटर की गति क्या होगी। हम तो पहला क्वेश्चन ही बताए कि दो पोल था तो 3000 आरपीएम आया था, जब फोर पोल रहेगा तो 1500 आरपीएम आएगा, जब सिक्स पोल रहेगा तो 1000 आरपीएम आएगा। निकाल भी लेते हैं, क्या फॉर्मूला होता है, एन एस बराबर 120 F/P, मान भर दीजिए 120, 50 हर्ट्ज दिया है और पोल कितना दिया है, फोर पोल कहा था, फोर पोल कहा है, तब कटा दीजिए 4 × 3 = 12, 30 आ गया, वहां 50 है, कितना हो गया, ये क्या है 50 है, 4 × 3 = 12 और ये 50, कर दीजिए 5 × 3 = 15, 2 × 0 आरपीएम, आरपीएम ये देता है, जो फॉर्मूला है आरपीएम के लिए, तो 1500 आरपीएम, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। फोर पोल के लिए 1500, सिक्स पोल रहता तो 1000, दो पोल रहता तो 3000 आरपीएम। आगे दो अल्टरनेटरों के समांतर होने के दौरान दो लैंप किस हालात में जलते और एक लैंप बुझ जाता है, तो वही बात हुआ ना, लैंप कब बुझेगा, जब वोल्टेज समान होगा, वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी समान होगा। देखिए बी ऑप्शन, वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी आर इक्वल, वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी आर इक्वल, तो लैंप बुझ जाएगा, वह पैरेलल ऑपरेशन होगा जो अभी समझाए थे, तो बी ऑप्शन राइट आंसर। अगला, यदि भार बढ़ता है तो अल्टरनेटर का टर्मिनल वोल्टेज कम हो जाता है, आर्मेचर रिएक्शन के कारण, जब भार बढ़ेगा तो आर्मेचर रिएक्शन के कारण वोल्टेज, भाई भार बढ़ेगा तो आर्मेचर रिएक्शन बढ़ेगा, इसके कारण वोल्टेज जो टर्मिनल पर मिलेगा वो कम हो जाता है। तो आगे क्या दिया है, फील्ड रेजिस्टेंस के कारण, आर्मेचर रिएक्शन के कारण, ये सही है, आर्मेचर रिएक्शन के कारण सही है, लेकिन आर्मेचर, आर्मेचर रिएक्शन के कारण उतना उचित नहीं है जितना ये दिया है, आर्मेचर रेजिस्टेंस दे दिया है, तो नहीं दिया होता तो उसको मार देते, आर्मेचर रेजिस्टेंस दिया है तो इसलिए डी ऑप्शन इज राइट आंसर। क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस वोल्टेज ड्रॉप कराएगा, जब रेजिस्टेंस वोल्टेज ड्रॉप कराएगा तो इसलिए आपको कम मिलेगा, आर्मेचर का रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, आर्मेचर का रेजिस्टेंस ज्यादा तो वोल्टेज कैसे मिलेगा, तो रेजिस्टेंस दे दिया ना, इसलिए इसी को मारेंगे, आर्मेचर रेजिस्टेंस के कारण टर्मिनल पर वोल्टेज कम मिलता है, इसलिए डी ऑप्शन इज राइट आंसर।
आगे एसी जनरेटर में फिर आ गया डैम्पर बाइंडिंग। डैम्पर बाइंडिंग का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? तो वही हंटिंग को कम करना, यही उद्देश्य है हंटिंग को कम करना। तो हंटिंग दिया है प्रिवेंट हंटिंग, हंटिंग को रोकना नहीं, रिड्यूस कैपर लॉस नहीं, रिड्यूस बाइंडिंग लॉस नहीं, प्रिवेंट द हंटिंग इफेक्ट। ठीक बा, हंटिंग के प्रभाव को रोकता है, डैम्पर बाइंडिंग कम नहीं करता है। देखिए हंटिंग को रोकता है, बस दिया है कि प्रिवेंट हंटिंग, हंटिंग को रोकता है। यहाँ क्या है, हंटिंग के प्रभाव को रोकता है। अब यहाँ हंटिंग रोकता है, कहना यह चाहता है कि हंटिंग पूर्ण रूप से समाप्त कर देता है, तो पूर्ण रूप से समाप्त थोड़े किया जा सकता है। यहाँ कह रहा है कि हंटिंग के प्रभाव को रोकता है, तो ये सही है, क्योंकि हंटिंग जो प्रभाव दिखाते हैं उसके प्रभाव को रोकता है, पूर्ण रूप से नहीं रोक पाता लेकिन उसके प्रभाव को रोकता है। तो उससे ये इसका मतलब होगा कि हंटिंग, अच्छा हंटिंग नहीं, हीटिंग दिया है, हम हंटिंग का विषय सोच रहे थे, हीटिंग दिया है, तो हीटिंग से तो कोई प्रभाव नहीं, हीटिंग नहीं, हंटिंग, हंटिंग के प्रभाव को रोकता है, इसलिए डी ऑप्शन। वो तो हम हीटिंग, हीटिंग को हंटिंग पढ़ लेते, तो इसका कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, हंटिंग प्रभाव को रोकता है। अच्छा ये तो ब्रूसलेस अल्टरनेटर है, पिक्चर बैठा लीजिए, देखिए पहचान हम बताते हैं। पहले तो एकदम सेम ऐसा पिक्चर आपको मिलेगा, अगर पिक्चर दिमाग में रहता है तो ठीक है, एकदम सेम ऐसा ही पिक्चर मिलेगा। इसको कहते हैं ब्रूसलेस अल्टरनेटर। ब्रूसलेस जो अल्टरनेटर होता है, इसकी और पहचान क्या होती है कि इसमें जो एक्साइटर होगा और मेन फील्ड होगी वो दोनों एक साथ होगी। ये क्या है, एक्साइटर आर्मेचर और ये एक्साइटर का फील्ड बाइंडिंग, यहाँ एक्साइटर का आर्मेचर बाइंडिंग, एक्साइटर का फील्ड बाइंडिंग। ठीक उसी तरह यहाँ मेन फील्ड बाइंडिंग होती है और यहाँ मेन आर्मेचर बाइंडिंग होती है, जो मेन हम लोग का होगा ना, जैसे अल्टरनेटर में क्या होता है, एक तो एक्साइटर से सप्लाई दी जाती है मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए, तो वो एक्साइटर के लिए है, और ये क्या है प्राइम मूवर भी इसको कह सकते हैं, और ये क्या है हमारा, तो इसको हम लोग कहेंगे मेन बाइंडिंग, तो ये मेन फील्ड बाइंडिंग है, और मेन ये क्या है आर्मेचर बाइंडिंग, तो फील्ड बाइंडिंग आर्मेचर बाइंडिंग, इसको प्राइम मूवर समझिए चाहे एक्साइटर समझिए जो सप्लाई देने के लिए, तो एक साथ लगी रहती है, तो इसको कहते हैं ब्रूसलेस अल्टरनेटर। पिक्चर दम आएगा दिमाग में बैठा लीजिएगा, ए ऑप्शन इज राइट आंसर, ब्रूसलेस। आगे दो पोल 50 हर्ट्ज अल्टरनेटर की आरपीएस की गति ज्ञात कीजिए, देखिए आएगा आरपीएस, तो दो पोल के लिए हम लोग स्पीड कितना निकाल लेते हैं, 120 एफ बटा पी, मान भरिए, देखिए दो पोल के लिए 3000 आरपीएम आ रहा था, अभी पहला क्वेश्चन यही था, दो पोल के लिए दो रखें, दो छके 12 50 6 35 यानी 3000 आरपीएम, दो पोल के लिए 3000 आरपीएम, लेकिन आरपीएम में नहीं पूछा, दो पोल 50 हर्ट्ज के लिए आरपीएस में गति की गणना करिए, माने रोटेशन पर सेकेंड में, पर माने बटा होता है, देखिए एनएस 3000 रोटेशन पर माने बटा मिनट मतलब सेकेंड में, तो 60 सेकेंड भैया, एक मिनट में 60 सेकेंड, पर माने बटा होता है, रोटेशन पर मिनट, एक मिनट में उतना रोटेशन, तो इस सेकेंड के लिए 60 से भाग दे देंगे, क्योंकि पर माने बटा होता है, रोटेशन पर माने बटा और मिनट को 60 सेकेंड। अब 1 0 से 1 0 और 6 5 30 इन कितना गया 50। अब क्या कर देंगे आर बटा में यस है तो पर लगा दीजिए और यस आरपीएस क्या होगा कि रोटेशन पर सेकेंड 50 रोटेशन पर सेकेंड, एक सेकेंड में 50 इसलिए एक मिनट में 3000 तो 50 आरपीएस, ए ऑप्शन इज राइट आंसर। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो अगला क्वेश्चन है घूर्णन क्षेत्र प्रकार अल्टरनेटर का उपयोग करने का क्या फायदा है, जैसे व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग रोटेटिंग फील्ड टाइप अल्टरनेटर, रोटेटिंग फील्ड टाइप अल्टरनेटर का क्या फायदा है। देखिए फायदा क्या है, जैसे ये कहना क्या चाहता है कि जो अल्टरनेटर होता है वो डीसी मशीन होता है, दोनों में क्या अंतर है, तो अंतर यही है ना कि जो डीसी मशीन थी उसके स्टेटर पर हम लोग फील्ड बाइंडिंग लगाते थे, लेकिन जो अल्टरनेटर है फील्ड बाइंडिंग रोटर पर आ जाती है और आर्मेचर बाइंडिंग स्टेटर पर चली जाती है, जो स्टेटर होता है उस पर आर्मेचर बाइंडिंग, क्या फायदा होता है, तो जो फील्ड बाइंडिंग होती है उसको बस डीसी करंट दी जाती है, तो फील्ड बाइंडिंग रोटर पर कर देने से दो स्लिप रिंग बस लगेगा, क्योंकि सप्लाई डीसी में बस दो ही, एक प्लस एक माइनस, तो प्लस माइनस के लिए दो स्लिप रिंग लगाएंगे, स्लिप रिंग लगाएंगे और सप्लाई दे देंगे, तो दो ही स्लिप रिंग की आवश्यकता होगी, हमेशा कितना भी फेज किया बना लीजिए सिर्फ दो स्लिप रिंग की आवश्यकता लगेगी, क्योंकि डीसी सप्लाई फील्ड को दी जाती है और फील्ड एक्साइटेशन करना है तो डीसी से हो जाती है, तो बस प्लस एक माइनस के लिए दो सप्लाई, दो ही स्लिप रिंग लगेगा, स्लिप रिंग महंगा मिलता है, तो इसलिए बस दो ही से काम चल जाएगा। दूसरा फायदा यह है कि फील्ड बाइंडिंग कम बाइंडिंग होती है, हल्का होता है, तो रोटर को घूमने में आसानी होगी, तो यही पूछ रहा है कि फील्ड बाइंडिंग को क्यों घूर्णन किया जाता है, घूर्णन क्षेत्र प्रकार मतलब रोटेटिंग फील्ड टाइप अल्टरनेटर के क्या लाभ है। तो पहला दिया है कि क्षेत्र में दोष का पता लगाने के लिए गलत है, और इजी टू कनेक्ट द लोड अल्टरनेटर ये भी गलत है, और इजी टू डिसिपेट द हीटिंग ड्यूरिंग रनिंग ये भी गलत है, और टू स्लिप रिंग ओनली रिक्वायर्ड
इररिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ फेज, ठीक है, मतलब कितना भी फेज लगाइए, दो स्लिप रिंगों की आवश्यकता होगी चाहे कितना भी फेजों की संख्या हो। तो डी ऑप्शन इज अ राइट आंसर, जो डी ऑप्शन है राइट आंसर, केवल दो ही स्लिप रिंग की आवश्यकता होती है, इसीलिए फील्ड पर रख दी जाती है, स्लिप रिंग महंगा मिलती है। अगला, अल्टरनेटर में फील्ड उत्तेजना धारा को बढ़ाने से क्या प्रभाव होगा, माने फील्ड एक्साइटेशन करंट को बढ़ाएंगे तो डीमैग्नेटाइज कम होगा, यही ना, तो प्रिवेंट डीमैग्नेटाइज, डीमैग्नेटाइज को बचाता है, ये तो ठीक है। और ये दिया अधिक वोल्टेज नहीं और शॉर्ट सर्किट को करा, डेड शॉर्ट सर्किट को प्रोटेक्शन करता है, ये भी नहीं, अल्टरनेटर विल बी ओवरलोडेड, ये भी नहीं, यानी ए ऑप्शन इज अ राइट आंसर। डीमैग्नेटाइज फील्ड एक्साइटेशन करंट बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे फील्ड एक्साइटेशन करंट तो डीमैग्नेटाइज बचेगा, मतलब कम होगा हम लोग का, डीमैग्नेटाइज कम हो जाएगा, ज्यादा रहेगा। तो आगे दिया अल्टरनेटर में 30 अंश, माने अल्फा का मान दिया है कितना, अल्फा का मान दिया है 30 अंश, दिया है ना यहाँ अल्फा का मान 30 अंश के साथ 36 स्टेटर स्लॉट फोर पोल वाले घुमावदार के लिए पिच फैक्टर कितना है। देखिए ना, पिच फैक्टर क्या होता है, एक तो केडी होता है, एक केसी होता है, क्वाइल पिच है पिच फैक्टर, केडी को डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर और इसको पिच फैक्टर, केसी क्या फॉर्मूला आता है, एकदम बहुत महत्वपूर्ण फॉर्मूला है, कास अल्फा बाई टू, फॉर्मूला क्या आता है पिच फैक्टर का, कास अल्फा बाई टू, यही पिच फैक्टर पूछा है और अल्फा का मान भी दिया है, तो भर दीजिए 30/2 यानी 15 अंश, कास 15 अंश, कास 15 अंश का मान कितना होता है, कास 15 अंश का मान यही होता है 0.965, 0.965, कास 15 अंश का मान, देख एक बार देख लीजिएगा आप, कास 15 अंश का मान जो होगा वही जवाब होगा, वैसे मेरे हिसाब से यही होता है बी ऑप्शन, तो बी ऑप्शन इज राइट आंसर, एक बार देख लीजिए कास 15 अंश का मान, गूगल पर सर्च कर लीजिएगा, कास 15 का मान 0.965 होता है, तो इसलिए 0.965। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन क्या है, अल्टरनेटर में हंटिंग के प्रभाव का कारण क्या है, तो हंटिंग के प्रभाव का कारण हम बताए थे ना, हंटिंग के प्रभाव का कारण लोड फ्लक्चुएशन, लोड वेरिएशन हंटिंग के प्रभाव का कारण है, तो अधिक भार के कारण नहीं, बिना लोड के कारण नहीं, गति को उतार चढ़ाव के साथ चलती है, गति उतार चढ़ाव के साथ चलती है ये हो सकता है, लेकिन ये देखिए निरंतर लोड में निरंतर उतार और चढ़ाव के कारण, तो डी ऑप्शन चाहिए, याद दिया कि गति के उतार चढ़ाव के साथ चल रहा है, फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड, और यहाँ दिया है ड्यू टू कंटिन्यूअस फ्लक्चुएशन इन लोड, तो लोड के साथ स्पीड से नहीं, लोड पर निर्भर करती है, क्योंकि वो वेरिएशन करता है तो लोड से करता है, इसलिए डी ऑप्शन इज राइट आंसर, लोड अगर वेरिएशन होगा तो क्या होगा, हंटिंग इफेक्ट देखने को मिलेगा। आगे दिया है लास्ट क्वेश्चन, यदि एक अल्टरनेटर में लोड हटा दिया जाए तो वोल्टेज 480 वोल्ट से 660 वोल्ट तक बढ़ जाता है, तो वोल्टेज रेगुलेशन क्या होगा, देखिए लोड हटा देंगे तो 480 से 660 बढ़ जाएगी, माने नो लोड पर न तो हो जाएगी, लोड हटा देंगे तो 660 यानी नो लोड पर 660 वोल्टेज। अब वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला क्या आता है, वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला हम बताए भी थे, वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है कि वोल्टेज फ्लक्चुएशन न हो, वोल्टेज रेगुलेशन हम लोग चाहेंगे कम से कम हो, क्योंकि जो वोल्टेज में नो लोड और फुल लोड में जो वोल्टेज में परिवर्तन होता है वही वोल्टेज रेगुलेशन होता है, तो वोल्टेज रेगुलेशन हम लोग कम चाहेंगे, ये ना हो कि लोड हटा दे तो वोल्टेज बढ़ जाए और लोड लगा दे तो वोल्टेज कम हो जाए, ऐसा नहीं चाहेंगे, नहीं तो हम लोग का डिवाइस खराब होगा, लोड हटा देंगे तो ज्यादा वोल्टेज आएगा तो डिवाइस सब खराब ना कर देगा, जो एक दो बचा रहेगा लोड में, लोड के साथ, तो ये नहीं चाहेंगे कि लोड सारा हटा दे तो हम लोग का वोल्टेज बढ़ जाए, वोल्टेज नहीं बढ़े, वोल्टेज कांस्टेंट रहे, तो वोल्टेज रेगुलेशन कम से कम होना चाहिए, और क्या फॉर्मूला आता है वोल्टेज रेगुलेशन का, तो वोल्टेज नो लोड पर माइनस वोल्टेज फुल लोड पर, अब बटा में वोल्टेज फुल लोड पर, अब परसेंटेज में निकालना है तो गुणे 100, मान भर दीजिए नो लोड पर कितना हो जाएगा 660 हो जाएगा, बोला है कि लोड हटा ले तो 660 हो जाती है, माने नो लोड पर 660 हो जाती है, और उसके मतलब कि फुल लोड पर 480 गुणे 100 कितना आएगा, इसको घटाइए, देखिए 0 से 0 और यहाँ 8 8 16 यानी 8 और 5 5 5 में से चार जाएगा 180/480 गुणे 100, 1 0 से 1 0 कटा लीजिए, ये कितना आ रहा है इसको कटाइए, 37.5 आ रहा है, 37.5% परसेंटेज में कैलकुलेशन कर लीजिए, 37.5% आ रहा है वोल्टेज रेगुलेशन। तो यह अध्याय भी समाप्त हो गया, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एक नया अध्याय के साथ, थैंक यू, धन्यवाद, जो भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, धन्यवाद।